Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Carrefour Sales Simulator. तो आप लोग को पता ही होगा कि इस टाइम मैंने एक चैलेंज ले रखा है कि मुझे अपने कार शोरूम टेक्नो मोटर्स के अंदर एक बहुत बड़ा कार कलेक्शन करना है. मतलब इतना बड़ा कार कलेक्शन कि शोरूम में पैर रखने की भी जगह ना हो. तो आप लोग को पता होगा कि मैं ग्राउंड फ्लोर तो गाड़ियों से पूरा भर चुका हूँ, तो बारी है ऊपर वाला फ्लोर भरने की, जिसमें अभी तक एक भी गाड़ी नहीं लाया हूँ मैं. हाँ, मतलब मैंने कुछ तगड़ी तगड़ी गाड़ी खरीद ली है, बट ऊपर वाले फ्लोर को भरना एक डिफिकल्ट चैलेंज है, क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे काफी सारी सस्ती गाड़ियां हैं, बट ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ महंगी गाड़ियां लाने वाला हूं. मतलब पोर्शे, फरारी, लैम्बोर्गिनी, सारी तगड़ी तगड़ी गाड़ियां. तो ठीक है, फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वापस से काम चालू करते हैं गाड़ियां कलेक्ट करने का. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. काफी दिनों बाद मैं अपने शोरूम पे वापस आया हूं. बाकी देखो भाई, एक बार चल के मैं आपको ग्राउंड फ्लोर दिखा देता हूं. ये देखो, पूरा गाड़ियों से भर रखा है. राइट से लेफ्ट में बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं है. मतलब ऐसे पैर रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. बट ऐसे डायलॉग में बोला जाता है कि भाई पैर रखने की भी जगह ना बचे. तो ग्राउंड फ्लोर तो पूरा भर रखा है, बट ये अरे भाई कौन सुपरा खड़ी कर गया यहाँ पे. सॉरी, मैंने ही खड़ी करी है. बाकी हाँ, ग्राउंड फ्लोर पूरा भर चुका है. अब बारी है ऊपर वाले फ्लोर में सिर्फ और सिर्फ लग्जरी कार्स खड़ी करने की. बट एक सेकंड, ये ट्रक लग्जरी गाड़ी नहीं है, मैंने पहले पता नहीं क्यों लागे खड़ा कर दिया था, इसको मैं बेच दूंगा. बाकी हाँ, ऊपर वाले फ्लोर के लिए मेरे पास कुछ कुछ तगड़ी तगड़ी गाड़ियां जो कि मैंने खरीदी हुई है, जैसे कि ऑडी R8, ये अपनी पोर्शे, पीछे फरारी है, इस तरफ में एक और ऑडी R8 है और पीछे एक और पोर्शे है, और ये वाली कोई नॉर्मल पोर्शा नहीं है. ये पोर्शा मैंने निकाली थी हेलोवीन इवेंट से. मतलब मेरे को बहुत सारे पंपकिन ढूंढने थे और उसके बदले मुझे एक गाड़ी मिलनी थी, तो मुझे मिली पोर्शे. बाकी अभी मेरे पास सिर्फ इतनी ही गाड़ियां नहीं है, मेरे पास दो तीन और कार है, मैं कहीं ना कहीं खड़ी कर आया हूँ. मेरे पास एक निसान GTR है, वो भी कहीं ना कहीं पर खड़ी है, और इधर एक अपनी मस्टैंग है जो कि मैंने रिपेयर करने के लिए दी थी. कर दी भाई? यस, पूरी की पूरी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है. तो चलो भाई, गाड़ी में बैठते हैं और इस गाड़ी को लेकर चलते हैं, इसे भी पार्क कर देते हैं. बेसिकली आज का अपना ये चैलेंज है कि मुझे ऊपर वाले फ्लोर को पूरा का पूरा भर डालना है काफी सारी लग्जरी गाड़ियों से. तो मस्टैंग को भी यहीं पर लाकर पार्क कर देता हूँ. अभी सारी गाड़ियां नीचे खड़ी करते हैं, एक एक करके ऊपर, या तो ऊपर ही ले आता हूँ. चलो, तो सबसे पहले हम लोग इस पोर्शा को ऊपर भेजते हैं. बट वेट, एक सेकंड, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मतलब एक मिनट रुको, मैं जो सोच रहा हूँ वो चलकर ही दिखा देता हूँ, दिक्कत क्या है. ओके, लिफ्ट का बटन दबा दिया भाई. हम लोग पोर्शे को लिफ्ट करके ऊपर वाले फ्लोर पर लेकर आ चुके हैं, लेट्स गो. तो मैं ये सोच रहा था कि यार देखो, फ्लोर ना बहुत ज्यादा बड़ा है. मैं चाहता तो इस पूरे फ्लोर को सुपर कार से भर दूं, बट वो ना प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल है जब मेरे पास एकदम अंधा पैसा होगा. तो अभी मैं क्या करूंगा, पूरा भरूंगा शोरूम को, बट उसके लिए पहले चलते ऑफिस एडिट मोड में. मैं क्या जुगाड़ कर रहा हूँ आपको दिखाता हूँ. मुझे जाना है सपोर्ट्स में और मुझे चाहिए होगा एक पोडियम. इसे पोडियम बोलते क्या बोलते पता नहीं. बेसिकली इस पे गाड़ी रखी जाती है और ये गोल गोल घूमता है, तो गाड़ी भी साथ साथ घूमती है. तो मैं पूरे में ना ये लगाने वाला हूँ, इसके ऊपर लाके गाड़ियां रखेंगे. एक यहाँ पे है, एक लगे यहाँ, यहाँ पे लगा देते हैं. एक मिनट यार, पहले मैं इस घटिया से ट्रक को यहाँ से हटाऊं, दिमाग के दही. इसको भाई मैं पता नहीं क्यों ही लेकर आया था यार ऊपर. भाई तो इतना ज्यादा बड़ा है ना, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा इसको मैं लेके जाऊंगा कहाँ से नीचे. फिलहाल के लिए एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे खड़े करके पार्क कर देता हूँ एकदम सीढ़ियों के पास. इसे आज ही बेच देंगे भाई, सीढ़ियों के पास रहेगा, जो भी कस्टमर आएगा अपने से खरीद के जाए. भाई मुझे नहीं चाहिए. हाँ, तो मैं अपना डिजाइन कर रहा था शोरूम. वापस से चलते ऑफिस एडिट मोड में. ओके, तो एक मैंने लगाया था लेफ्ट में, एक लगा देते हैं इसके बगल में यहाँ पे कहीं. ये इधर प्लेस हो सकता है, इस तरफ में यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. इसके आगे पीछे इधर प्लेस हो सकता है, यहाँ कर देते हैं. मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने ज्यादा इसे मैं फिट कर पाऊंगा उतने करने हैं. एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे हो सकता है, एक यहाँ पे भी हो सकता है, एक एग्जैक्ट इसके पीछे मैं कर सकता हूँ, एक हो सकता है यहाँ पे. बस आई थिंक स्पेस पूरा भर चुका है, बस मुझे इतनी सुपर कार खरीद के लानी है क्या. चलो गाइस, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 सुपर कार मुझे खरीद के लानी है. मैं तो थोड़ी चिंदी चोरी नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत जो खाली स्पेस है यहाँ पे भी गाड़ियां लाके खड़ी कर देंगे. बट हाँ, मेरे को बस इतनी सुपर कार लाके खड़ी करनी है और अपना ऊपर वाला फ्लोर भी पूरा भर जाएगा. वैसे एक तरीके से देखा जाए 7 सुपर कार लाने का मतलब है प्रॉपर मिलियन डॉलर्स की एक एक गाड़ी. मतलब मैं तो देखो यार 4-5 लाख डॉलर में खरीदूंगा, बट उसे मैं मिलियन डॉलर्स का बेच सकता हूँ. मुझे अभी गाड़ियों के रेट पता चल चुके हैं. तो अभी इस लिफ्ट को लेकर चलते हैं नीचे और मुझे और गाड़ियां लेकर आनी है. नेक्स्ट कार मैं ऊपर लेकर जाने वाला हूँ, ऑडी R8. ये गाड़ी से मुझे ना बहुत ज्यादा उम्मीद थी, बट ये गाड़ी इस गेम में बहुत ज्यादा स्लो है, पता नहीं क्यों. वैसे मुझे ये नहीं पता कि टायर वगैरह या फिर सस्पेंशन की हाइट वगैरह चेंज कराने से फर्क पड़ता है, बट हाँ गेम में तो मुझे बहुत स्लो लगी. चलो भाई, ऑडी को भी ऊपर लेकर आ चुके हैं, इसको मैं पीछे खड़े करूंगा. इस गाड़ी को ले जाकर लगाते हैं, इस वाले पे लगा देते हैं, थोड़ा साइड से दिखेगी ना. चलो ऑडी हो चुकी है, बाकी मेरे को लानी है फरारी. फरारी का कलर चेंज करवा के लाता हूँ यार, रेड चाहिए मुझे. बस जितनी भी गाड़ी है भाई सबके कलर कितने ज्यादा गंदे हैं. अच्छी काम करते हैं, पहले ना सबके कलर ही चेंज करवाते हैं भाई. देखो भाई, फरारी तो बचपन से ही रेड जानी जाती है, तो इसको रेड कलर का करवा के लाऊंगा भाई, वो ज्यादा बढ़िया लगेगी. चलो सर, एक काम करता हूँ, रुको पहले ना मैं गाड़ी साफ कर लेता हूँ, वरना पेंट होता तो पता नहीं चलता कि कैसा दिख रहा है. चलो भाई, मस्त एकदम गाड़ी क्लीन कर दी है, टर्न सीन. अभी इस पे आप कर दो रेड कलर एकदम बढ़िया वाला. ये रेड कितना घटिया लग रहा है भाई, पॉलिश चेंज करो इसका. स्मूथनेस कम, मेटालिक टोन ज्यादा चाहिए. स्मूथनेस
ओ यस चलो अभी प्यारी दिख रही है भाई, कर दो पेंट भाई। 9000 इतना महंगा पेंट हुआ ये, और वो भी कलर दूसरा आया भाई, पागल है क्या तू? ये कलर थोड़ी करवाना था ओ भाई, क्या कैसे काम कर रहा है आजकल। 12 से 9000 लग गए भाई, बट कोई बात नहीं, गाड़ी का कलर हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है। बिल्कुल एकदम प्योर रेड कलर की एकदम प्यारी वाली फरारी हम लोग लेकर आ चुके हैं। बट यार सच में $18,000 फुक गए, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा 2 सेकंड के अंदर। मतलब महंगी गाड़ी है तो जान मुझके पेंट भी महंगा बेच रहे भाई, ये लोग बहुत चंट हो गए। चलो भाई फरारी को भी ऊपर लेकर चलते हैं, इसके बाद में कोई दूसरी गाड़ी लेकर आता हूँ उसका कलर चेंज करवा के रखते हैं। वैसे फरारी की यार देखो इतनी वैल्यू तो है कि मैं इसे एकदम सेंटर में पार्क करूँ, वहां पर बहुत ज्यादा सही दिखेगी यार, इसको एकदम प्यार से सेंटर में पार्क करेंगे। चलो अभी लेकर नेक्स्ट गाड़ी जो कि होने वाली है अपनी मस्टैंग या फिर पोर्शा। पोर्शे तो एक ऑलरेडी जा चुके, एक और ले चलते हैं, बट इसका कलर चेंज करवाएंगे भाई। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसका कलर लाइम ग्रीन करवा दिया जाए, बहुत सही दिखेगा यार, या तो सियान ब्लू या फिर लाइम ग्रीन। लाइम ग्रीन मेरे सबसे बेस्ट है। चलो पेंट कर दो भाई, गाड़ी भी ना गंदी है इसलिए एक्चुअल कलर दिख नहीं रहा, बट मैं इसे वॉश कर दूंगा ना। मतलब ऐसे मुझे वॉश करने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने इतना मस्त इंप्लॉय रखा हुआ है, जैसे ही मैं गाड़ी शोरूम के अंदर ले जाके खड़ी करूंगा वो खुद चुपचाप से वॉश कर देगा। बाकी यार एक बात तो है कि गाड़ी दिखने बहुत सही वाली है, इस गाड़ी में तो वैसे भी ड्रिफ्ट किट लगा हुआ है यार। चलो गाड़ी आ चुकी है लिफ्ट पे, उतरते हैं इससे, उसे भेजते हैं ऊपर। चलो लेट्स गो। एक पोर्शे खड़ी थी लेफ्ट में, तो दूसरी पोर्शे को मैं राइट में खड़े कर देता हूँ इस तरफ में, और अपना गोल गोल घूमना चालू हो जाएगी। लाते और गाड़ियां, मस्टैंग रह गई है, मस्टैंग व्हाइट तो नहीं यार, मस्टैंग का कलर चेंज करवाएंगे भाई। बढ़िया वाली ड्रिफ्ट किट तो इस गाड़ी में लगी हुई है, देख रहे हो कैसे चल रही है ये, देखो देखो इसको एक बार। ओ भाई भाई चलो भाई, इसका कलर वैसे इसका रेड कलर कराने का मन है मेरा, बट येलो करवाते हैं अभी कोई नहीं। चलो भाई मस्टैंग येलो करवा दिया, ये भी धुल के चमक जाएगी अभी भाई साहब। इस गाड़ी को तो मैं ड्रिफ्ट मारता हुआ ले जाऊंगा वहां पे, देखो। चलो मस्टैंग को भी लिफ्ट के पास लेकर आ चुके हैं, इसको भी ऊपर भिजवाते हैं भाई। कुछ ही देर में रात होने वाली है भाई, थोड़ा सा काम करा नहीं इस गेम में दिन बदल जाते हैं। चलो भाई मस्टैंग भी यहाँ पर मस्त एकदम आ चुकी है। वैसे एक तरीके से देखा जाए भाई मैंने पूरा शोरूम भर डाला यार, अभी बस दो गाड़ियां और लानी है। ऑडी मेरे पास खड़ी है, ऑडी का कलर, ऑडी किस कलर की करवाए यार, एक सेकंड ऑडी छोड़ो भाई ऑडी, अरे नहीं नहीं मैं बीच रोड में नहीं छोड़नी, रुको। ऑडी से बढ़िया मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों ना सुप्रा ले जाके खड़ी करी जाए, बाकी यहाँ पर काम करते करते हो चुकी है भाई, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सुप्रा लेके चलते हैं। अरे यार ये दुकान बंद करके, अरे यार मैं सोच ही रहा था कहीं दुकान बंद करके ना चला गया। चलो कोई बात नहीं, ये गाड़ी को मैं यहीं पर छोड़ता हूँ, अभी चलते हैं सोने के लिए, कल शोरूम। भाई इतना प्यारा दिख रहा है क्या नीचे से, एक बार भाई सामने देखो ऐसे एक करके भाई गाड़ियां घूम रही है, बहुत सही लुक आ रही है शोरूम की। मतलब पता चल रहा है कि ऊपर लग्जरी कार्स हैं टेक्नो मोटर्स में भाई साहब। अब आई ना भाई बातचीत शोरूम के अंदर तो। चलो 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 टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से सोने चलते, कल आके काम खत्म करना है। चलो भाई अभी सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है और आज तो ऑक्शन भी है भाई, लेट्स गो। हम लोग अपने शोरूम में एक गाड़ी ऑक्शन से भी ले जाके खड़ी करेंगे भाई, मुझे आज ऑक्शन में जाना है। बट उससे पहले हम लोग ये दो गाड़ियां ले जाते हैं, एक तो ये सुप्रा और आरेट। बाकी यहाँ मैं सोच रहा था सुप्रा में कलर कौन सा कराना चाहिए, तो मेरे माइंड में है पर्पल या फिर पिंक कराते हैं भाई। चलो पर्पल तो ये वाला होता है, बस बहुत सही दिखेगा वैसे अगर देखा जाए तो, ये कलर भी अप्लाई कर देते। इन सब गाड़ियों पे कितने सस्ते में पेंट हो जाता है यार, वहीं अगर अभी पेंट फरारी पे करवाना था भाई लुट गया भाई मैं तो सही में। चलो सुप्रा मस्त पेंट हो चुकी है, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक राउंड मार कर आते हैं ऑक्शन में, पता कर लेंगे गाड़ी कौन कौन सी आ रही है। मतलब बढ़िया रहता है यार पहले से ही पता रहता है तो। चलो अभी यहीं से हमें आइडिया लग जाएगा, पहले जूम करके देखते हैं। ओ भाई ओ हो भाई ग्लिच फिक्स हो चुका है, ये ग्लिच फिक्स हो चुका है, अब हम लोग नहीं पता कर सकते गाड़ियां कौन सी आ रही है ऑक्शन में। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक तरीके से अच्छी बात है ग्लिच फिक्स हो गया, वरना तो भाई हमेशा पता चल जाता था। आगे ठीक है भाई सुप्रा लेकर आ चुके हैं, और एक चीज मैंने अभी नोटिस करी कि ये वाले जो अलॉय है ना, मतलब व्हील्स, ये वाले व्हील्स भाई ये बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं भाई चलते हुए तो। चलो ये गाड़ी भी लेके चलते ऊपर। यार ये टास्क बहुत बुरा है, उतर के जाके बटन दबाओ, गाड़ी से उतरना पड़ता है, फिर 10 घंटे में लिफ्ट ऊपर आता है, फालतू लगता है भाई। क्या बढ़िया दिख रहा है यार, हमने सेकंड फ्लोर को फुल लग्जरी स्पेस बना दिया। मतलब मैं आपको काउंट कराऊं तो ये वाली गाड़ी भी $7-8 लाख की बिक जाएगी, ये वाली गाड़ी तो $1 million है, सेम टू सेम। ये वाली तो और महंगी जाएगी, इसका तो मुझे प्राइस नहीं पता क्योंकि ये एक स्पेशल कार है, इस पे हेलोवीन स्किन है, तो शायद से मैं ऑक्शन टाइप, मतलब ऑक्शन में तो मैं नहीं बेच सकता गाड़ी, बट ये बहुत महंगी बिकेगी। बाकी सुप्रा तो नहीं, $1 लाख वाला है। मस्टैंग और सुप्रा दोनों सस्ती है यार, इन दोनों गाड़ी को हटाना चाहिए यहाँ से। मुझे यहाँ पर सिर्फ वो गाड़ियां रखनी चाहिए जो $5-5 लाख की होती है, बट ठीक है अब सुप्रा मस्टैंग तो लग्जरी कैटेगरी में आती है। तो नेक्स्ट कार मैंने प्लान करा था ऑडी R8, तो इसको भी पेंट करवा के ऊपर लाते हैं। भाई मेरे पास सच में बहुत ज्यादा गाड़ियां हो चुकी है, तगड़ी तगड़ी विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ जी तो इस गाड़ी पे आप कलर कर दो, सियान कर दो भाई इस पे। तो चलो पेंट भाई ₹25,000 का कलर, पागल हो गया क्या? इसको साफ करके देखो भाई, ये कलर कितना सही दिख रहा है यार। ओ भाई 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 मजा आ गया भाई, कसम से मजा आ गया भाई। कलर तो इसको बोलते हैं यार, ये गाड़ी तो पेंट की वजह से बहुत महंगी बिकनी चाहिए। बट ठीक है अभी जैसा कि मैंने बताया था आज ऑक्शन है जो कि थोड़ी ही देर में चालू होने वाला है, तो
फटाफट से वहाँ पे चलते हैं और चलकर बैठते हैं, ऑक्शन खेलते हैं, उसके बाद आएंगे हम लोग बाकी गाड़ियां बेचने के लिए। वैसे एक सेकंड, मैं अपनी एक गाड़ी इतनी देर से भूल रहा था और वो है निसान GTR। बाकी सर पहले आप ऑक्शन का टिकट दो, मेरी निसान GTR कार मार्केट में खड़ी है भाई, मुझे लेकर आनी है। चलो ऑक्शन चालू हो चुका है और मुझे ना एक चीज पता करनी है कि ऑक्शन चालू होने के बाद मैं पता कर सकता हूँ कि इस शटर के पीछे कौन सी गाड़ी खड़ी है। जैसे इसके पीछे ये वाली है और इसके पीछे, रुको रुको भाई, ये ग्लिच बहुत अच्छे से फिक्स हुआ है, हम लोग नहीं पता कर सकते कौन सी गाड़ी खड़ी है शटर के पीछे। चलो ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, अपनी गाड़ी को यहीं पे पार्क करते हैं। बाकी ये कौन सी गाड़ी है भाई, BMW M1 है क्या? पे है ये, फायदा नहीं है। नेक्स्ट कार आई है तो फास्ट साहिन, कितने की है भाई, फ्री में दे दो ये तो गाड़ी। भाई कौन सी, कुछ नई गाड़ी है ये, देख रहे हो $29 में बैट लग जा रहा है इसके ऊपर, मतलब मैक्स ये गाड़ी भाई $2,500 की जाएगी। ओके मैं ले लेता हूँ इसको भाई, ये तो मतलब खरीद भी लूंगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, $2,000 की मिल गई। बाकी राइट साइड में दिखा रहा है कि फरारी, डोज राइवर, निसान GTR और माजदा के निकलने के चांसेस। मस्टैंग आई है जो कि भाई 25,000 में आई है, बट मुझे लगता है 45 तक की जाएगी, बट मुझे नहीं लेनी भाई, मस्टैंग अपने पास ऑलरेडी है भाई। बिट तो धड़ाधड़ लगते जा रही है, इस गाड़ी की डिमांड है और कितनी सस्ती चली गई। लैम्बोर्गिनी, बट ये अपने बजट से बाहर जाएगी, ये तो बाहर जाएगी, 3,40,000 की आई है, मैं रेडी हूँ लगाने के लिए, मेरे पास 4,50,000 है, लगा दूंगा। काश ये गाड़ी मुझे 4,20,000 में मिल जाए, मजा आ जाएगा, बट ये नहीं आने वाली, ये नहीं आने वाली भाई, नहीं भाई प्लीज अब आ जा, मेरी जेब खाली हो गई है भाई, इसके बाद तो मैं लगा ही नहीं सकता, पैसा खत्म हो रही चली गई। सिर्फ मेरे पास $10,000 और होते ना ये गाड़ी अपनी हो जाती, बट कोई नहीं, आज हम लोग कुछ भी नहीं जीते बिड में, ऑक्शन में कुछ नहीं जीते। वैसे एक खचाड़ा गाड़ी खरीदी है $2,000 की भाई, कैसी सी कार है, मेरे को ऐसा कुछ नया सा नाम दिखा तो मैंने खरीद ली, बट इतने मैं एक्साइटेड नहीं हूँ इस गाड़ी के लिए। बाकी ठीक है, हमने R8 का कलर चेंज करवाया था, ड्रिफ्ट तो हमारी भाई भिड़ जाता, इसमें ड्रिफ्ट किट नहीं है भी तो हो जाता नुकसान। आजकल तो भाई रिपेयरिंग वालों के भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इस गेम में, पहले सस्ते सस्ते में रिपेयर हो जाती थी गाड़ी। चलो हम लोग R8 लेकर आ चुके हैं एक और, इसको पार्क कर देते हैं यहाँ पे और इससे उतरते हैं और अभी चलते हैं हम लोग बाकी गाड़ियां लेने। वैसे तो पूरा फ्लोर भर चुका है, बट मेरी ना एक गाड़ी और है जो कि मुझे पता है कहां पर खड़ी है। वहां पर जाने से पहले एक काम करता हूं, शोरूम ओपन कर देता हूं और मेरे को यार एक ना ट्रक बेचना है, पता कैसे चलेगा उसका नाम क्या है? अरे 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 रुको रुको, उसका नाम देख के आना पड़ेगा। ट्रक 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 क्या नाम है भाई तेरा? अरे नाम कैसे पता चलेगा इसका? वो एक सेकंड, नाम ऐसे पता चलेगा ना पैनल से। यस, इसका नाम है निसान बॉक्स ट्रक। अच्छा निसान वालों का है ये? चलो निसान का अपने पास एक ट्रक है भाई, इतनी गाड़ियां हो गई है ना ढूंढना पड़ेगा। वैसे ऊपर ही आ रहा है ये रहा। हमने लिया था $3,500 में, तो इसे 8,000 का बेच के खत्म करते हैं भाई, बेच दो भाई, नहीं चाहिए मुझे। चलो भाई, तो इसके ऊपर 4 सेल का टैग लग चुका है, अब हम लोग चलते हैं नीचे। वैसे यार बहुत दिन हो गए हैं ड्रैग रेस नहीं करी मैंने, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अपनी निसान GTR लेकर आते हैं और थोड़ी बहुत ड्रैग रेस करते हैं, बट उसके लिए ना पहले मुझे बस पकड़ के कार मार्केट जाना है, क्योंकि मैंने अपनी गाड़ी को यहीं पर छोड़ा हुआ था। और ये देखो भाई पड़े पड़े कितनी ज्यादा गंदी हो गई है। बाकी एक BMW मैंने खरीदा था रिसेंटली, तो इसको भी मैं भिजवा देता हूँ, रिपेयर होने के लिए जाएगी भाई, पहले तो गाड़ी की गंदी बहुत ज्यादा हो रखी है। और इस गाड़ी को भी हम लोग टो करवाते हैं, इसको टो करके भिजवाता हूँ, मुझे ये गाड़ी वॉश करवानी है और हम लोग जाएंगे बस से जाएंगे ऑफिस आज। चलो तो ऑफिस पे आ चुके हैं, अपनी BMW आई थी, इसको मैं रिपेयर पे लगवाता हूँ। बाकी ऊपर वाला फ्लोर पूरा भर चुका है, अब BMW आई है तो सोच रहा हूँ लगे हाथ इसको भी ऊपर भिजवा दें। बाकी बहुत सारे पार्ट डैमेज है, रिपेयर होने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। जब तक एक काम करते हैं, क्यों ना चल के थोड़ी बहुत ड्रैग रेसिंग कर दी जाए। मेरे पास $4,00,000 है, हो सकता है मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं। वैसे ड्रैग रेसिंग में ना एक और फीचर होता है जो कि मैंने यूज नहीं करा, फीचर नहीं होता है, चीज होती है कि सामने वाला बंदा जोन सी गाड़ी लेकर आया, अगर हम लोग सेम वही कार से ले जाके रेस करें, मतलब दोनों लोग का गाड़ी सेम होगा, तो हम लोग एक बेट और कर सकते हैं कि जो हारेगा उसको अपनी गाड़ी देनी पड़ेगी। तो अपने पास कार कलेक्शन बहुत बड़ा है, हो सकता है सामने जो भी रेसर है उसके वाला सेम गाड़ी अपने पास हो, तो चलेंगे सेम गाड़ी लेके और उसकी गाड़ी लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए अगर जीतना है तो अपनी ये भाई निसान GTR तो है। इस गेम में इससे फास्ट अभी तक क्या है मुझे नहीं पता, हो सकता है एक दो गाड़ी आ गई हो, बट ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा फास्ट है भाई, 2 सेकंड में, अरे 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 भाई 2 सेकंड में भगाते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं। बट यहाँ पर ओहो छी, कोई तगड़ा चैलेंजर आता ही नहीं है भाई कभी। हाँ भाई, कितने की रेस करनी है? $1,000 भाई, $150 तो ले आते, $150 सॉरी $123 का रेस कर रहा हूँ भाई मैं, मेरी गाड़ी एक टायर पे भी चलेगी ना इससे जीत जाएगी। चलो गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के लपेटा जाए भाई इस बंदे को, मेरे को तो शर्म आ रही है भाई। एक काम करेंगे भाई, इस बंदे को ना पहले जाने देंगे, जितनी भगा सकता है भगाए, उसके बाद इसको हराएंगे, ठीक है? चल जा भाई, जा देख कितना चलाएगा, देखते हैं जिसको भगा। ओहो ओहो, नाइट्रो वाइट्रो मारे जा रहे हैं, अब आ बेटा तो बाय। भाई क्या हो गया उसके साथ तो, वो बंदा
लगवा कर आया था भाई, गाड़ी में पूरी ट्यून करा के लाया था। चलो भाई, एकदम चिंदी सा घटिया सा ड्रैग रेस था और आज के दिन और कोई भी चैलेंजर नहीं है। ओहो, पूरा मूड खराब कर दिया भाई उस बंदे ने। चलो कोई बात नहीं, ऑफिस चलते हैं। आज ऑफिस में चल के थोड़े बहुत काम कर लेते हैं। वैसे मुझे क्या ही काम करना होता, गाड़ियां बेचनी होती है और मैं इस टाइम पे कार कलेक्शन कर रहा हूं। मैं गाड़ियां बेच ही नहीं रहा हूं तो कोई कस्टमर आएगा ही नहीं। वैसे हां भाई, कस्टमर क्यों नहीं आएगा, मुझे ट्रक बेचना है। अच्छा, मैंने ऑफिस ही नहीं ओपन करा ना यार, तो कहां से आएंगे बंदे। अभी ऑफिस ओपन कर दिया भाई, ट्रक खरीद लो कोई। बाकी यहां पर मैंने अपनी BMW रिपेयर होने के लिए दी थी और ये भाई अपनी कूपे है BMW की, तो इसको लेकर चलते हैं। अभी गाड़ी मस्त रिपेयर हो गई है, इसको भी ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाके खड़ी कर देते हैं, क्योंकि इस गाड़ी का भी भाई प्राइस अच्छा खासा है। आई मीन मस्टैंग और सुपरा से तो महंगी है गाड़ी इस गेम में। ओ, बच गई भाई, अभी तो रिपेयर करवा के लाया था, दोबारा करवानी पड़ जाती। चलो तो इसे लेके चलते हैं ऊपर। और मुझे ना अभी जगह ढूंढनी होगी कि भाई इस गाड़ी को मैं खड़े कहाँ पे करूंगा। तो यहाँ पे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, यहीं पर गाड़ियां लाके लगानी पड़ेगी। ऐसे टेढ़ी करके पार्क कर देता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 तगड़ी कार्स हो चुकी है। बाकी नीचे भी इतनी तगड़ी तो नहीं है, खराब है सब। एक तरीके से देखा जाए तो 9 तगड़ी कार है ना, ये भी तो अपनी है। वो एक सेकंड कस्टमर आया भाई ऑफिस में, जल्दी से चल के इसको ट्रक भेज देते हैं। भाई तू 100-500 ज्यादा ले और इस ट्रक को ले जा, जितने का मैं लाया था उतने में। 8,000 मैंने बोला, भाई 5,000 दे रहा तू, लेके ले ले चल कोई बात नहीं, $400 और दे तू एक काम कर। चलो भाई, एक तरीके से हमने ट्रक भेज दिया भाई बंदे को। अच्छा, एक और कस्टमर था क्या, तू तो दिखा ही नहीं। चलो मस्त सीन हो गया, अभी अपनी BMW के लिए थोड़ी जगह बन गई है। वैसे जगह क्या ही बनी है, इधर कोई गाड़ी पार्क नहीं करते, सही है, बढ़िया हो गया भाई सीन। तो अपने पास बहुत सारी गाड़ियां हो चुकी है शोरूम में। मैं बोल नहीं जा रहा था कि थोड़ी देर में रात होने वाली है, रात हो ही गई इतनी देर में, तो ऑफिस आज के लिए क्लोज कर देते हैं। बट मेरी प्लानिंग ये है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना ये पूरा कार कलेक्शन बेचने वाला हूँ। हाँ, मतलब ये निसान GTR नहीं, बट ये सारी कार्स जो ऊपर वाले फ्लोर पे खड़ी है इन सबको। गाइस, एक चीज ना, मुझे कमेंट्स में जाके जरूर बताना कि क्या मुझे अपने शोरूम की सारी गाड़ियों को बेच देना चाहिए, या फिर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे जितनी भी सस्ती गाड़ियां हैं उनको बेचकर वहां पे भी सुपर कार्स ला के रख देनी चाहिए। आइडिया तो दोनों ही तगड़े हैं, बट मुझे शायद से पहले वाला आइडिया ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सस्ती गाड़ियों को बेच के वहां पे तगड़ी गाड़ियां रख दो। आपको क्या लगता है कमेंट में जाके जरूर बताना, और कोई तीसरा आइडिया आता है वो भी बता देना। वैसे एक दो गाड़ियां जो मेरा बेचने का मन नहीं है, और वो है एक ही येलो वाली हेलोविन पोर्शे और मेरी निसान GTR। इसके अलावा तो मैं सारी गाड़ियां बेच सकता हूं, क्योंकि ये इजीली मिल जाती है। ये हेलोविन पोर्शे और ये निसान GTR कब कैसे कहां से मिलेगा कुछ नहीं पता, तो जाओ नीचे कमेंट्स में जाके जरूर बताओ। फिलहाल अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करना। बाकी मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया है, ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ियां भर दी थी, ऊपर वाले फ्लोर पे उतनी ज्यादा नहीं भरी जितनी भरनी चाहिए थी, क्योंकि पैसा खत्म हो गया भाई सारा। अगर अभी पैसा कमाना है तो गाड़ी बेचनी पड़ेगी, जो कि मैं चाहता नहीं हूं। बाकी ड्रैग रेस से कमा सकता हूं, वहां पे $150 का रेस आता है, तो एक तरीके से चैलेंज कंप्लीट हो गया, बट वैसे नहीं जैसे मैं चाहता था, तो उसे भी आगे करेंगे। फिलहाल आज की सारी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो जाके लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।